हम सब लोग चीजें खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बाजार पैसे लेके जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी संबंधित है कि आप जो पैसे खर्च करते हैं और बचाते हैं उसमें एक शब्द आता हमारा प्रतिशत, या इंग्लिश उसे कहते हैं परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे अभी हम आपको एक 100 का नोट दिखाएं, ये प्रतिशत होता है। ये क्या होता है? जब भी आपसे कोई प्रतिशत की बात करे, सत माने 100 और प्रत माने एक एक, यानी प्रति एक 100। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ पहले समझ जाएंगे तो समझ पाएंगे कि ये 100 क्या होते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा। अगर आपसे ये कहें कि हमारे पास 100-100 के 4 नोट हैं, कितने हैं? हमारे पास 100-100 के 4 नोट हैं। एक ये है, ये 100 का नोट है, ये इस प्रकार से हमारे पास 100 के 4 नोट हो गए। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक नोट, प्रत्येक यानी एक नोट ये, एक नोट ये, एक नोट ये, एक नोट ये, हर 100 के नोट से, हर 100 के नोट से, हर 100 के नोट से। मान लीजिएगा इस नोट से हमने 10 रुपए खर्च कर दिए, ठीक, तो इसमें बचे कितने? अब 90 बच गए। हमने उतने ही इससे खर्च करेंगे, सभी नोटों से बराबर बराबर पैसे खर्च करेंगे। ठीक है, प्रत्येक का वो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 के नोट से, प्रत्येक 100 के नोट से। इससे 10 रुपए खर्च किए तो 10 ही हम इससे भी खर्च कर दे रहे हैं, यहाँ भी फिर कितने बचे आएंगे? 90। इससे भी हमने 10 रुपए खर्च कर दिए, यहाँ कितने बच गए? 90। और इस नोट से भी हमने 10 रुपए खर्च कर दिए, यहाँ कितने बच गए? 90। तो बचे की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम केवल ये देख रहे हैं कि हमने प्रत्येक 100 के नोट से कितने कितने रुपए खर्च किए। 10-10। प्रत्येक 100 के नोट से कितने कितने रुपए खर्च किए, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रतिशत या परसेंटेज। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि हम 400 रुपए लेकर के बाजार गए थे तो कितने खर्च किए हमने? 40। टोटल में से 40 खर्च किए। अगर आपसे कोई ये कहे कि प्रतिशत बताओ, ये तो प्रतिशत हमें दिखाई तो दे रहा, यही प्रतिशत होता है। 10 और परसेंटेज का ये चिन्ह होता है इस प्रकार से, 10%। ठीक, इसका मतलब ये था कि ये नहीं, 40 से मतलब नहीं, हमने टोटल रुपए तो 40 खर्च किए, वो चीज अलग है, लेकिन प्रतिशत का मतलब ये हर 100 के नोट से कितने खर्च किए? 10। तो वही 10% हमारा हो गया। इंग्लिश में इसे परसेंटेज बोलते हैं, हिंदी में इसे हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसका भी आप ध्यान रखें। प्रत्येक 100 के नोट से कितने खर्च किए? 10। तो परसेंटेज हो गई 10 और टोटल कितने खर्च किए? 40। समझ में आया कि परसेंट क्या होती है? और देखिए एग्जांपल। तो ये जो परसेंटेज का जो हमारा विषय वो है पाठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सीखना पड़ेगा। आपको पैसे दे दिए जाएंगे और फिर ये कहा जाएगा इसमें से हमने इतने खर्च कर दिए तो बताओ कितने परसेंट खर्च किए, ये निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले उसकी जो आधारभूत चीज़ें वो तो सीखें कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का सीधा मतलब होता है प्रत्येक 100 के नोट से। ठीक, अभी मान लीजिएगा हमारे पास 100-100 के मतलब 1000 रुपए हैं, रुपए टोटल कितने हैं? और वो सब 100-100 के ही हैं, तो 100-100 के कितने नोट यहाँ होने चाहिए? 10 नोट होने चाहिए, 100-100 के 10 नोट होने चाहिए। अभी आप, हम दिखा रहे हैं आपको कैसे होंगे। एक नोट 100 का ये हो जाएगा हमारा, तो ये 100-100 के कितने नोट दिख रहे हैं आपको? 10 दिख रहे। हम जो भी पैसा खर्च करेंगे सभी नोटों से ही तो खर्च करेंगे, कर इकट्ठे देते हैं लेकिन सभी के हिस्सा में जाता है। मान लीजिए हमारे पास 1000 नोट, ये 10-10 के, वो 100-100 के 10 नोट थे, 1000 रुपए थे। हमने क्या खर्च किया? हमने रुपए खर्च कर दिए 200, टोटल में से हमने 200 रुपए खर्च कर दिए। जब टोटल में से 200 खर्च किए तो बचे कितने? 800 रुपए। अब हमें ये देखा जाएगा जो हमने 200 रुपए खर्च किए हैं, अगर हम हिसाब लगाएं तो प्रत्येक 100 के नोट में कितने हिस्सा पड़ेगा जाके? 20-20 पड़ रहे भाई। 200 तो खर्च किए, लेकिन ये भी देखा जाएगा हर 100 के नोट से हमने कितने खर्च किए? 20-20। अगर आप इतना बता लेते हो तो परसेंटेज सीखना आपके लिए आसान है। देखो हमने इससे 20 रुपए खर्च किए और इसी प्रकार से 20 इसमें से खर्च हुए होंगे, सब में से 20-20 खर्च हुए। अगर जोड़ें 20-20 को तो कितने निकलेंगे जाके? 200 हो रहे।
अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, हमने टोटल रुपया खर्च किया 200, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए आपने कितने प्रतिशत खर्च किए तो सीधा दिखाई दे रहा है 20। आई होगी बात समझ में कि प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 से बात करेंगे, रुपए हमारे पास कितने भी हों लेकिन प्रतिशत का मतलब होगा प्रत्येक 100 के नोट से। भाई आपके पास कितना भी पैसा हो क्या 100 के नोट में बदला नहीं जा सकता? भाई ये तो अभी मान लो हमारे पास 5000 है तो 100-100 कितने नोट होंगे? 50 होंगे नहीं होंगे? तो हमने तुरंत पता कर लिया 100-100 50 नोट है, तो हर 100 के नोट से हमने कितना खर्च किया क्या हम निकाल नहीं पाएंगे? अभी इस लड़के ने तो बता दिया चलो 200 रुपए थे, 200 खर्च किए, तो प्रत्येक नोट से कितने खर्च किए हमने? 20-20। कैसे पता किया? हमने क्या किया, 200 को और हमारे पास नोट कितने थे 10 से भाग दे दो, 10 दूनी 20 और 1 0 ये, 1 0 ये, देखो 20 आ गया। इसका मतलब है अगर हमसे ये कहा गया एक तरीके से कि आप 200 रुपए खर्च कर देना, इसका मतलब ये भी है कि हमसे ये कहा गया प्रत्येक 100 के नोट से आप कितने रुपए खर्च करेंगे, तो यही प्रतिशत बोला जाता है, यही प्रतिशत या परसेंटेज बोला जाता है। आया समझ में? कि जब भी आपसे कोई प्रतिशत की बात करे, प्रतिशत से संबंधित सवाल पूछे, प्रतिशत से संबंधित सवाल करवाए, तो तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो प्रत्येक 100 के नोट से बात कर रहे हैं, यानी जो भी हमारे पास अमाउंट है 100 में कैसे बदलें। अगर 100-100 के गट्ठर बनाएं तो कितने बनेंगे? अभी देखो हमारे पास 1000 रुपए थे, इसका मतलब था 100-100 कितने नोट थे? 10। लेकिन ये क्या था, आपको समझाने के लिए है, लेकिन क्या सवाल आ जाएगा तो आप ऐसे ही 100-100 नोट इकट्ठे करते रहोगे? नहीं, तो उसको करने के दूसरे तरीके हैं। तो ऐसे डायरेक्ट कैसे करेंगे हम? अब आप इतनी चीज समझ पाए होंगे कि हम परसेंटेज से संबंधित सवाल करेंगे, तो इसका मतलब है प्रत्येक 100 से। ठीक, आगे देखिए, देखिएगा अभी हमारे पास कितने रुपए थे बेटा? 1000, और हमने कितने खर्च किए थे? 200 रुपए खर्च किए थे, तो 200 से इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास बचे कितने? 800। ठीक, तो बचे की बात की है, हमसे ये कहा जा रहा है भैया हमने 1000 रुपए में से, समझे, ये बटे की लाइन होती है। ठीक, इसे अपॉन या बटे कहते हैं। जो आपके पास टोटल अमाउंट पहले से है वो हमेशा कहाँ लिखेंगे? यहाँ हर की जगह, या डिनोमिनेटर, ये तो कहते हैं हर या डिनोमिनेटर। और जो आपने खर्च किया है वो हमेशा कहाँ लिखेंगे? ऊपर। ये भी एक एक नियम है जो हमने उस दिन पढ़ाया था, वो एक एक नियम अभी जरा उससे हम इसको जोड़ के दिखाएंगे कि हम इसको भी एक एक नियम की तरह कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अभी ये कहा जा रहा आपसे, जब आपके पास 1000 रुपए थे तो कितने खर्च किए? 1000 रुपए थे तो कितने खर्च किए? हाँ भाई चरित बाबू, जब 1000 थे तो कितने खर्च किए? भाई हमारी जेब में जैसा अमाउंट होता उसी हिसाब तो खर्च करते। अभी आपके पास 10 ही रुपए हो तो आप ये कहोगे अब 10 ही रुपया तो क्या खाएं कि ना खाएं कुछ, ये सोचोगे? 1000 रुपए हैं, चलो 100-200 खर्च कर देंगे, क्या दिक्कत है? कहोगे जब मेरे पास 1000 रुपए थे तो 200 खर्च किए, और उसी रेशियो में अगर हमारे पास 100 होते तो कितने खर्च करते? अभी देखना, 1000 थे तो 200 खर्च किए, पूछा ये जा रहा बेटा 100 का नोट होता तो कितने खर्च करते? सॉल्व कर लो, ये 3 0 से देखो, ये 3 0 कट गए, जिंदा कौन बचा? 20। देखो 20% आ गया। इसका मतलब ये था कि जब मेरे पास 1000 रुपए थे तो 200 खर्च किए, और उसी रेशियो में उसी अनुपात में अगर खर्चा करना है तो अगर 100 का नोट होता तो हम कितने खर्च करते? 20। बेटा यही परसेंटेज है, यही परसेंटेज है। अब देखो इसको एक एक नियम में हम कैसे जोड़ें, एक एक नियम पढ़ाता उस दिन, एक से संबंध बना के देखो कैसे। जब हमारे पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए में खर्चा कितना खर्चा आया हमारा? 200 का। ठीक, इधर वाली संख्या हमेशा बटे में जाया करेगी, ठीक, ज़्यादा बटे में जाया करेगी, कम गुणा में जाएगी। जैसे जब हमारे पास 1000 रुपए थे तो कितने खर्च किए? 200, और हमारे पास अगर 1 रुपया होता, 1 रुपये में, यहाँ भी रुपये लिखा है, मैं खर्चा, ये एक एक नियम की तरह कर, 1 रुपये में खर्चा क्या भाई, ज़्यादा थे तो ज़्यादा खर्च किए, कम होंगे तो कम करेंगे, कम के लिए क्या बताया था? भाग। देखो है, हमने बताया, कुछ बच्चे हमारी बात को समझ के सीख के बैठे हैं कि कम के लिए भाग किसका किस में?
200 में 1000 का, ठीक, कि जब 1000 रुपए थे तो 200 खर्च किए, जब 1 कम रुपए होंगे तो हम देखेंगे कम में काम चला तो कितना खर्च करेंगे, इतना। अब जब मेरे पास 100 रुपए होते, 100 रुपए में खर्चा, तो 100 रुपए में खर्चा, अब देखो अब ज्यादा हो गए, 1 से ये ज्यादा है तो ज्यादा के लिए गुणा, ये जैसा का तैसा लिखा रहेंगे, 200 बटे 1000 गुणा 100, सॉल्व कर लो, 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो आप खुशी खुशी काट दो, जिंदा कौन बचा, 20 परसेंट लगा दो। इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 रुपए होते तो केवल कितने खर्च करते, 20, या इसका मतलब ये कि जितने भी आपके पास 100-100 के नोट थे उन सब में से आपने 20-20 रुपए खर्च कर दिए। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और देखिए हमने आपको दोनों तरीके से बताया, हमारे पास 1000 रुपए हैं तो 100-100 नोट कितने होंगे, 10। अब मान लीजिए हमारे पास रुपए हैं टोटल कितने हैं, कुल रुपए, आपके पास ऐसे सवाल आएगा कुल रुपए बराबर हैं, मान लीजिए आपके पास कुल रुपए 5000 हैं, ठीक। देखो प्रतिशत निकालना सीखेंगे हम, सीधा सीधा प्रतिशत पे पहुंचे, जो आपकी उसकी जो फंडामेंटल था, जो मूल था उसका, जो शुरुआत की थी, आखिर प्रतिशत होता क्या वो तो समझ गए, यानी प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर हमारे पास 5000 रुपए और हमने खर्चा कितना कर दिया, मान लीजिए खर्चा कर दिया हमने है 3000 रुपए, ठीक। अभी खर्चे पे ही निकाल रहे हैं, बचत पे बाद में निकालेंगे, पहले खर्चे पे सीखेंगे फिर बचत पे सीखेंगे, फिर आपके किताब में सवाल कैसे होंगे फिर वो कराएंगे, अभी केवल ये सीख लो प्रतिशत होता क्या और क्या कैसे समझते हैं। अभी आपसे केवल ये कहा जा रहा है कि भैया कितने रुपए लेके गए थे, 5000, कितने खर्च करे आए, कितने बचे, 2000। अच्छा ठीक है तुम 3000 खर्च करे, बताओ कितने प्रतिशत खर्च करे आए। अब तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पकने लगी, जब प्रतिशत वालों लफड़ा डाल दो, हमने 3000 रुपया खर्च करे, हमें ना मालूम प्रतिशत कितने हो, तुम अपनों जानो तो तुम प्रतिशत नहीं बता पाओगे क्या, इसलिए तो हम आपको शिकार है, जब आपसे प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत बता दो। प्रतिशत में वो ये ऐसे पूछ रहे हैं कि आपने 3000 खर्च किए तो 3000 में 100-100 कितने नोट होंगे, 3000 में 100-100 रुपए कितने नोट होंगे, संध्या 30 होंगे, तो ये कह रहे प्रत्येक 100 के, यानी 30 नोट हैं, प्रत्येक 100 के नोट से आपने कितने कितने खर्च किए हमें ये बताओ। भाई यहाँ सब लड़कों को खाना बंटता, इकट्ठा बनता, फिर सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा दिया जाता, इसी प्रकार से आपने हर 100 के नोट से थोड़ा थोड़ा खर्च किया, वो आपने प्रत्येक नोट से कितना खर्च किया 100 के नोट से वो बताओ हमें, तो ये कैसे बता पाएंगे हम, समझे। तो सीधे सीधे आप प्रतिशत कैसे बताएंगे, प्रतिशत खर्चा आप लिख भी सकते हैं, प्रतिशत में खर्चा, प्रतिशत में खर्चा, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे इसे आप समझ पाए। हमारे पास टोटल पैसा कितना था, हमने कहा हमेशा आप यहाँ हर की जगह लिखेंगे, जब आपके पास 5000 रुपए थे तो कितने खर्च किए, 3000। दीपांजलि जब हमारे पास 5000 रुपए थे तो कितने खर्च किए, जब 5000 थे तब तो 3000 किए, अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो कितना खर्चा करते। अब वो यहां से निकल आएगी, अभी इससे ये निकल आएगा कि हमने प्रत्येक 100 के नोट से कितना खर्च किया, देखते हैं कैसे। ये 3 जीरो से हमारे ये 3 जीरो कट गए, अभी 5 से 100 को काट दें, 5 × 2 = 10, 1 जीरो बचा 20, 20 ये है और 3 ये जिंदा, तो कितना बचेगा टोटल बताए कोई, 23 क्यों बचेंगे भैया, यहाँ तो घोड़ा का चिन्ह लगा है और तुम इनको जोड़ के बता रही हो, जबकि यहाँ घोड़ा का चिन्ह लगा है, कितना आ रहा है, बीतियाँ 60%। इसका मतलब ये हुआ है कि आपने टोटल 3000 खर्च किए वो तो ठीक है, लेकिन आपने हर 100 के नोट से 100 का नोट खींचा, 60 रुपए खर्च किए, बचे रख दिए, दूसरा 100 का नोट खींचा, 60 रुपए खर्च किए, बचे रख दिए, तो प्रत्येक 100 के नोट से जो आपने 50 नोट 100-100 को लेके गए थे उसमें से आपने 30 नोट निकाले और प्रत्येक 100 के नोट से आपने 60 रुपए खर्च करके रख दिए। अच्छा प्रतिशत होता तो 100 का ही है, 100% ही तो होता, इसके बाद तो होता नहीं, तो 100 में से आपने 60 खर्च कर दिए, बचा कितना, 40% बचत है, हमें उसकी निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें उसकी निकालने की जरूरत थोड़ी, 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना,
बचत प्रतिशत में अगर कहा जाए तो हमारे पास 40% पैसा बच भी गया, वो 40% पैसा 2000 के बराबर होगा। आई बात समझ में? कर पाओगे अब? ठीक, देखिएगा आपकी किताब में भी कुछ सवाल है उन्हें बताते हैं। आपकी किताब क्या पढ़ा रही है आपको, जरा उस पर भी थोड़ा गौर करिएगा। किताब हमारे ये पढ़ा रही है, हमारे पास इस प्रकार से एक चौकोर है। चौकोर सब जानते हैं? यस सर। हमारा बोर्ड भी चौकोर है, हमारी फर्श भी चौकोर है, हमारी टेबल का ये फेस है ये भी चौकोर है। है चौकोर? आप देखिएगा इसमें एक नौ, ये की तो दसवीं ये थी, तो ये हमारे पास ये है। आपकी किताब ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे। अब वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिएगा ये हमारे पास कितने खाने हैं टोटल भी बताएं? सौ। सौ क्यों हो रहे कि दस ऐसे और दस ऐसे, तो दस दाएं ये सौ हो गए, चाहे गिनो चाहे इनका दस इधर से है दस इधर से गुणा कर दो तभी सौ हो जाएंगे। अब मान लीजिएगा इसमें से हमने ये इतने खाने पीले कलर कर दिए, ये पुताई कर दी इनकी, कितने खाने की पुताई करी हमने कोई बताए? नौ। नौ की पुताई की, यानी हमारे पास टोटल थे कितने? सौ में कितने की पुताई की? इसी को बेटा हम लिखेंगे 9%। लियो, अगर इस प्रकार से भी कोई चीज लिखी है तो वो परसेंट में बदल जाएगी, यानी 100 में से 9 ले लिए 9%। अभी 9 ये थे, मान लो 3 और बढ़ा दिए, अब कितने हो गए हमारे पास? 12। अब 100 में से कितने पोत दिए हमने? 12। तो 12 को क्या लिखेंगे? 12%। यानी इस तरीके से लिखी हुई संख्या को हम इस प्रकार से लिख दिया करेंगे। ठीक, मान लीजिए हमने इधर 6 और रख दिए, 3 और ये 6 और पोत दिए हमने, 12 ये थे, 6 ये कितने हो गए? 100 में से कितने पुताई कर दिए? 18। इसी को क्या लिख सकते हैं हम? 18% लिख सकते। अब समझ में आ गया होगा परसेंट आपको? ठीक, तो इस क्लास में आज की हमने आपको जो शुरुआती चीजें होती परसेंट की वो सिखाई है। आगे क्लास में जो किताब में और होगा वो सवाल कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।